आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का नेस्टेड फॉर्म देखते हैं। नेस्टेड फॉर्म किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट या ऑपरेटर का नेस्टेड फॉर्म की बात तब आती है जब हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पे हमारा कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हो। टर्नरी ऑपरेटर को नेस्टेड फॉर्म में यूज करते हैं तो उसे हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को आपको नेस्टेड फॉर्म में यूज करना है तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन यस एक्सप्रेशन आपका हो गया। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आप एक और एक्सप्रेशन आएगा, अगर वो भी एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स होगा, अगर ट्रू होगा तो उसका ट्रू सेक्शन जनरेट करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर टर्नरी ऑपरेटर का ये जो आउटर ही कंडीशन है अगर फॉल्स होगा तो सीधे वैल्यू इज फॉल्स ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सो आप टर्नरी का नेस्टेड फॉर्म में यूज या तो आप उसके ट्रू ब्लॉक में एक और एक्सप्रेशन के साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं या उसके फॉल्स ब्लॉक में भी आप एक एक्सप्रेशन के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के साथ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट cost price and sales cost of goods, check profit or loss। यहाँ पे हम लोगों ने cost price लिया, sales price लिया और result के लिए एक string type का variable declare किया। message देते हैं इस तरह से हमने इनपुट करा लिया है। अब हमें रिजल्ट फाइंड करना है। एसपी सेल्स प्राइस अगर ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से सो प्रॉफिट। यहाँ पे सेल्स प्राइस अगर लेस होता है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस, लेकिन अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस का इक्वल होता है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। सो यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल फॉर्म में है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक और टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। एस पी इक्वल्स टू सी पी देन नो प्रॉफिट लॉस अदरवाइज लॉस। सो यहां पे आप देखिए सेल्स प्राइस अगर ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट प्रिंट होगा। सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर नहीं होता है तो यहाँ फॉल्स सेक्शन में आएगा। फॉल्स सेक्शन में हमें एक और एक्सप्रेशन मिलता है जो कहता है कि इफ सेल्स प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट नो लॉस एंड इफ सेल्स प्राइस नॉट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस सो लॉस। सो सेल्स प्राइस इफ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी विल गेट प्रॉफिट एंड नाउ if sales price less than cost price or sales price equals to cost price then it will move to the false part and now here the new expression is and if sales price equals to cost price then no profit no loss will be true part and if not equal then loss will be false part। So finally result will hold the actual result of our business and finally we have to print the result। Now compile it, execute the program, here enter cost price and sales cost of goods। Okay, suppose cost price is 345,
एंड सेल्स प्राइस इज अगेन 345, सो वी आर गेटिंग रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस. अगेन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड हियर द कॉस्ट प्राइस इज 345 एंड सेल्स प्राइस इज 456, सो रिजल्ट विल बी प्रॉफिट. अगेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड द वैल्यू इज सपोज कॉस्ट प्राइस 345 एंड सेल्स प्राइस इज 320, रिजल्ट इज लॉस. सो वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट आउटपुट्स एज पर कंडीशन. यू कैन हैव मोर एग्जाम्पल टू वर्क विथ नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर. Suppose if we have to get the greater number among three given number, so we can also use the nested form of ternary int a, b, c and d. We have declared four different variables. Enter any three numbers. A equals to integer dot, B equals to integer dot and C equals to integer dot. Now D equals to A greater than B, A greater than C, B greater than C, so B otherwise C. So यहाँ पे हम लोग so here we are getting the nested of ternary. We have to find the greater number among three given numbers. Let's look at the condition. First we have check A with B, and if A greater than B, so now we have C also, so we have to check A with C, and if A greater than C, then the greater number will be A, otherwise the greater number will be C. There may be a condition that the B is greater than A, so it will move to the false section. Here we have to check B with C also, and if B greater than C also, then greater number will be B, otherwise the greater number will be C. Finally D will hold the greater number and we will simply print it on our screen. So look at the execution section. Here we are trying to execute the program. We have to input three numbers. We are inputting here 45, 56 and 34. Yes, so greater number is 56. So this is the use of ternary operator.